ऐसी तैसी हो गई गर्दन की, तो बाल यहाँ गिर जाते हैं ना, फिर इन्हें झटके से वहाँ करते हैं और इधर से खींच के रख दिया गर्दन। बुरे हाल, छोटे कर दूंगा बाल भाई, बोर हो गया हूँ मैं, मतलब बालों से नहीं, बार बार ऐसे ऐसे करके दर्द हो जाता है। आज भाई कहीं नहीं जाऊँगा मैं, अपना जॉनसन पार्क में रोज़ जाया करता था उस वाले में तो मेरा जाने का मन है नहीं, और कल जॉनसन नया पार्क दिखाया था उसमें जो डिप बार है वो बहुत ही चौड़ा है, तो मुझे शोल्डर वगैरह ख़राब नहीं करना है या कोई और मसल में दिक्कत नहीं चाहिए मेरे को, तो घर पे ही करेंगे आज। यार मेरा एक्सरसाइज करने का उतना मन नहीं किया, अभी मैंने 4 सेट कर लिया, 4 सेट के बाद था अच्छा यार मैं बोर हो गया, और कुछ करने का मेरा मन नहीं करना कर रहा है वर्कआउट में, पर अजीब करने को कर रहा है, और अजीब क्या करने वाला हूँ मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। तो भाई ये है एक हमर H1 और मेरे को इसके साथ यहाँ पर ना चक्कर काटने हैं बिना रुके, जितने भी मैं मार सकता हूँ, मतलब मैं चक्कर गिनूंगा नहीं, मतलब बस चलते रहना और देखना कितनी देर तक मैं चला, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। तो ये अजीब टास्क है आज का मेरा, जो कि मेरे दिमाग में एकदम से आया वर्कआउट करते हुए, तो मैं कब क्यों ना किया जाए, पर वैसे भी सुबह का टाइम है तो फ़ोन ओवरहीट भी नहीं होगा, रिकॉर्ड भी सही से करने का भी। तो स्टार्ट करते हैं, क्या टाइम हो रहा है, तो 1 घंटे बाद टायरों की हालत तो ठीक है, क्योंकि इतने सालों से ये गाड़ी खड़ी थी बस अलमारी के अंदर, तो करके इसके टायरों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, चलाई काफ़ी है तो मैं दिख ही रहा होगा, साइड स्कर्ट्स पे वाइट वाइट चूना सा लग गया है जो इस दीवार का है, इस वाली साइड पे थोड़ा क्रैश नहीं हुआ था, इस वाली साइड पर क्रैश हो गया था, तो ये तो मैं वाइट वाइट दिख रहा होगा चूना सारा टायरों पर, साइड स्कर्ट्स में भी चिट्टा चिट्टा तो हो गया, मतलब काफ़ी अच्छी चला दी है गाड़ी। और पता है अभी मैं इसे कम से कम आराम से, मतलब बहुत आराम से 2 घंटे तो कहीं नहीं गए थे, आराम से कर देता, पर अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो करके मेरे को और काम भी करने हैं, इसीलिए मेरे को इतने तक ही करना पड़ा, पर एटलीस्ट अजीब है ये, 1 घंटा 10 मिनट मैंने दीवार पर सिर्फ गाड़ी चलाई बिना रुके। ये रही अपनी बॉबर, कल तो मार को इंट्रोडक्शन करा ही दिया था इसके साथ, और बता भी दिया था कि चलती कैसे, और वॉक अराउंड भी दे दिया था, तो चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, पर पापा कह रहे हैं वापस से इसको क्लासिक बना, बॉबर नहीं रखनी है, मतलब कि ये मडगार्ड इस पर वापस चढ़ा, मेरा मन तो नहीं है। नहीं एक चीज़ तो बताओ, छोटी दिवाली जैसी चीज़ भी कोई एग्जिस्ट करती है या फिर हमारा इंडियंस का ही बनाया हुआ ये छोटी दिवाली? असल में तो कुछ नहीं होती छोटी दिवाली, बस एक मेजर ही होती है जिस दिन को डेट होती है उसकी। यार ये तो पंडित से पूर्ण पढ़ाई होती क्यों नहीं है क्या होती? छोटी दिवाली ये तो अपने आप से ही कर देते हैं, एडवांस वाला है, जैसे एडवांस में बर्थडे विश करते हैं वैसे ही छोटी दिवाली बनाने। यार एक तरीके से वैसे ही हो जाता है, जैसे आज कोई काम हो गया तो आज तो खुशी मना ही रहे हैं, कल उसको खूब बड़े धूमधमाके से फिर मनाते हैं एक तरीके से। ये बहुत अजीब लगा मेरे को, और छोटी दिवाली क्या करते हैं, एक ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। पता करना, सर्च कर इसको। ओ ये सर्च करने वाली चीज़ है कोई? अजीब लग रही वीडियो। शिमले का बंदर नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या कह रहे हो? इसको क्या हिलना नहीं यहाँ से? इसको हाँ मत है मत तो हिलना नहीं यहाँ से। काम दिया ना तेरे को, ये पूरा करना है, ये तेरी पनिशमेंट है। कर इसको पूरा, कर तो रहा है ये, जाने नहीं देना इसको कोई। नहीं बीच में वासियां भी मार रहा है ये, तो नींद आएगी तब वासी मारेगा ना। नींद आएगी यार ये जब सुबह का उठ रहा हुआ। पौने 12 बजे नाश्ता करके हटा हूँ मैं, और ओएस खाने का मन कर रहा है, एकदम मस्त ओट्स खाए मीठे वाले। मैं ठीक किया, सुबह ही अजीब हरकत कर ली, क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा, अभी सामान खरीदने जाना है, उसके बाद खाना बनाना है,
उसके बाद पता नहीं क्या करना है मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा भाई, क्या करूँ। मेरे को लग ही रहा था कुछ ना कुछ होगा, जैसा कि जिससे ना दोपहर को टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सुबह ही कर दिया जी। भर एक घंटे वाले जाम में फंस गया हूँ लगता है मैं। हाँ ऑफ ही कर देता हूँ इसको। चलो अब आराम से जितनी चलना है। नो फ्यूल कंजम्पशन। अब तो पूरी दिल्ली वाली फील आ रही है, मिनी दिल्ली तो छोड़ो भाई। फर्स्ट गियर में भी चलाने को जगह नहीं, मैंने फिर से ऑफ कर दिया इग्निशन। मैं ऐसे ही ले जाऊंगा भाई, लोड ही नहीं है ना, चलाने की जगह है ना, रेस देने की जगह है ना, गियर डालने की जगह है, तो ऑन करके क्या करूं बाइक को, पैदल ही खींच के ले जाऊंगा इतना तो मैं। है कोई समझदारी यहाँ पे ऑन करना? मैंने कहा था ना ऑफ करना फायदेमंद रहेगा एनवायरमेंट के लिए भी और मेरे लिए तो है ही। निकाल लूंगा मैं, निकाल लूंगा, पैदल ही निकाल लूंगा। ओले ओले, निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई, ओए साइड में से निकाल ली। ये फायदा होता है बाइक ऑफ करके चलाने का। सब्जी खरीदने में नहीं मजा आ रहा भाई बिल्कुल भी, बार्गेन किया ही नहीं जा रहा, या शायद अभी मेरा टाइम आया नहीं है। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ बट हुआ नहीं अब तक, पर हो जाएगा जब मैं रोज़ रोज़ करूँगा। वैसे मैं बहाना बनाता हूँ कि मैं ना करूँ बट सीखना पड़ेगा, ज़रूरी स्किल है। इस एरिया में से पहली बार इतनी स्मूथली जा रहा हूँ, बेशक इग्निशन ऑफ है बट स्मूथली पहली बार जा रहा हूँ इतनी, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं होती चाहे पैदल भी चल रहा। बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ आज मैं कि छोटी दिवाली पर कोई भीड़ नहीं है। मतलब आराम से जा रही है भाई, बाइक कैसे चला रहा हूँ मैं अभी भी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मैं भी गलती कर दी मैंने बताने में, मेन मार्केट में एंटर नहीं हुआ था ना मैं भी, तो करके आराम आराम से जा रहा था एकदम मस्त। अब भीड़, अब तो पैर रखने को भी जगह मुश्किल हो रही है। शॉट ओए, प्रैंक खेल रहे थे तेरे साथ है? आया ओए शॉट यार, अरे हो जाएगा दो हो जाएगा। अरे आज तो बहुत सही बॉल ढूंढ रहे सब है ना। बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं, अभी तो दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई है, तो दूसरे मैच का तो पता नहीं स्टार्ट होगा कि नहीं, क्योंकि मजे से खेल रहे हैं जो कि खेलना भी चाहिए मुझे लेके, और मजे लेते लेते टाइम का पता नहीं लगता कि कितना लगेगा, तो मैं कहा मैं तो खड़ा ही रह जाऊंगा अभी। कल कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाएं, पर बाकी कल की कल देखेंगे, अभी कहीं और चलते हैं भाई। कहाँ इससे ऊपर भी चले जाओगे तुम तो, है ना? प्रो है भाई बच्चे यहाँ पर सारे, और आजकल देखा मैंने है क्या चीज़, एक साल की क्या, अच्छा एक साल की ट्रेनिंग। मेरे को तो लग रहा है उससे भी पहले गए, जितने आराम से तुम खड़े हुए और चढ़े हो उसके ऊपर। निकाह नहीं भाई, ये वाले बच्चे आज कुछ मतलब कुछ अलग ही है इनका सिस्टम, हर कोई पेड़ पर चढ़ना जानता है। हमारी उम्र में जब मैं इनकी उम्र का था तब, और मेरे साथ के भी जो उनसे थे उनसे भी नहीं चढ़ा जाता था पेड़ पे, ये तो जब देखो तभी चढ़े होते हैं पेड़ पे, और कभी मर्जी चढ़ा दो, अगर सो के बिठोगे ना कहेंगे चढ़ तब भी चढ़ जाएंगे, हमसे तो पूरा होश में रह के भी नहीं चढ़ा जाता था। ब्लॉग बना रहा हूँ ना यूट्यूब पे, डालता हूँ यूट्यूब पे, इसलिए रोज बनाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बनाता हुआ ही जाता हूँ। जैसे हैं हाँ 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 नहीं यूट्यूब हाँ, कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं इसको सीधा। हाँ छा जाएंगे यार। एक बात बताओ, मैं जिसकी भी वीडियो मान लो जहाँ भी मैं पहली बार जाता हूँ, कोई मेरे को देखता है ना वीडियो बनाते हैं, वो बोलता है हम एकदम से फेमस हो जाएंगे, तुम्हें क्यों लगता है कि एकदम से फेमस हो जाओगे? मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ने कहा, सभी कहते हैं। नहीं नहीं वो तो मेरे को पता है, रियलिटी तो कुछ और ही है, बट तुम्हें एकदम से ऐसा क्यों लगता है कि, मेरे ख्याल ये वो देखते आते हैं ना कि चलता हुआ जोन सा आ रहा है पहले से, स्ट्रगल वाला फेस देखा होगा तुमने। नहीं तो मैं लिख के दे दूंगा तेरे को, या तो तू याद कर लियो, तू अपनी वीडियो फिर उस पर देख लियो यूट्यूब पे, ये परसों डल जाएगी। हाँ परसों डल जाएगी। अजीब स्लैश वीर्ड व्लॉग लिख लियो, वीर्ड की स्पेलिंग पता है?
हाँ अजीब की स्पेलिंग पता, अजीब की स्पेलिंग पता, अजीब 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 तो पता है ना क्या होता है, अजीब की स्पेलिंग नहीं पता, चल मैं बताता हूँ, AJEEB ठीक है, उसके बाद ऑब्लिक पता है वो जो टेढ़ा डंडा होता है, हाँ 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 उसे लिखियो अजीब AJEEB उसके बाद टेढ़ा डंडा फिर वियर्ड लिखियो WEIRD, अभी ये याद नहीं होगा तुम्हें, अगर मैं जमीन पर लिख कर बताऊँ तुम्हें स्पेलिंग याद हो जाएगी नहीं होगी बता बताऊँ क्या लिख के बताऊँ, पत्थर कहाँ है, पत्थर है कोई छोटा, ये पत्थर है रुकियो, ओ भाई पत्थर भी देखियो कैसा सा मिला, ये देख हाँ ठीक है चल जाएगा, ये देख ये देख AJEEB ठीक है, फिर ये टेढ़ा डंडा हो गया तेरा, उसके बाद साथ ही आगे ही लिखा जाएगा इसके WEIRD और इसी के साथ ही मतलब वो तुम्हें दिख ही जाएगा कि साथ साथ ही लिखना, यही दोनों लिख के एकदम से याद है, हाँ हाँ ये अजीब और वियर्ड भी लिख दिया ना तूने, अजीब टेढ़ा डंडा और वियर्ड तो आ जाएगा हाँ ओए मेरे को एक बात बताओ, मेरे को हर कोई स्टार्टिंग में अंकल ही बोलता है, अंकल लगता हूँ क्या मैं वैसे नहीं नहीं मैं बुरा नहीं मान रहा, अगर तुमने अंकल कह दिया मैं पूछ रहा हूँ, सारे मेरे को अंकल ही बताते हैं, कभी कभार तो मैं जब शेव की होती है तब तो फिर अंकल ही कह रहे होते हैं मेरे को, ओ दूर निकल गई बच्चा भैया बच्चे बोलते हैं अंकल ही हैं, नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर हो सकता है कि आप उन्हें अंकल जैसे दिख रहे हो, हाँ मतलब मेरे को यकीन नहीं होता, हमें अपनी उम्र में तो पहचान थी कि हाँ ये भैया है या फिर अंकल है, हम शायद अंकल जैसे ही लग रहे हैं ये देख जैसे ये मजे ले रहा है, हाँ नहीं ठीक है लेने भी चाहिए, अभी तो इनकी उम्र भी है आगे पता नहीं कैसे कैसे स्ट्रेस आने हैं पढ़ाइयों के, क्या करने का लगा तू क्या था, हाँ कर तू भी कर ले, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो तुम वैसे मेरे को समझ नहीं आया, हाँ वो बहुत लंबी वॉली बना दी, आ ओ बहुत बढ़िया ट्राई, जब ऑफ कैमरा था तब बहुत लंबी रैली चली और जैसे मैंने ऐसे किया और बस खत्म हो गया